गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 5 ऑफ योर यूनिट दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपका फ्रेंडली आइसोथर्म पढ़ा था, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्सॉर्प्शन डीपली पढ़ के देखा था कि आपका प्रेशर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एड्सॉर्प्शन पे। यानी कि जब जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो उस टाइम आपका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या रहेगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्सॉर्प्शन। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो एड्सॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका इफेक्ट ऑन फिजॉर्प्शन, दैट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। आपके एड्सॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं, फिजॉर्प्शन एंड केमियोजॉर्प्शन। फिजॉर्प्शन आपका क्या होता है, जब आपका क्या हो, सिर्फ फिजिकली ऊपर के सरफेस पे आपका एड्सॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि कोई आपका कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेट के बीच में। सिर्फ आपका क्या रहा है, सिंपली एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपके एड्सोर्बेट सिंपली एड्सोर्बेंट सरफेस पे चिपक रहे हैं, उसको हम फिजॉर्प्शन कहते हैं। और केमियोजॉर्प्शन आपका क्या होता है, जब आपका एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के बीच में एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, एक कोवलेंट बॉन्ड डेवलप हो रहा हो ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट, तो उस टाइम जो हमारा एड्सॉर्प्शन होता है वो कहलाता है केमियोजॉर्प्शन। ठीक है बेटा, तो अगर हम फिजॉर्प्शन की बात करें तो जैसे आपको पता है फिजॉर्प्शन आपका क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दैट मींस जब भी आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स किसी भी एड्सॉर्बेंट सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर आपका कोई भी एड्सॉर्बेट आके लग रहा है, मतलब थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आपके सरफेस के मॉलिक्यूल लाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, या मैं कहूँ इनकमिंग पार्टिकल्स को या फिर एड्सॉर्बेट को, तो वहां पे हमने देखा था कि आपकी एनर्जी जो है इवॉल्व आउट हो रही है। लेट सपोज अगर हम बात करें कि आपका कोई हमने ए रिएक्टेंट आके एड्सॉर्ब हुआ और वो आपका बी बना रहा है, प्लस आपकी एनर्जी जो है इवॉल्व आउट हो रही है, तो ये आपकी एनर्जी जब इवॉल्व आउट होती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू ली चेटलियर प्रिंसिपल आपका क्या कहता है बेटा, कि अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसके लिए फेवर्ड आपका लो टेम्परेचर है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो आपकी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने लग जाती है। ठीक है, तो ली चेटलियर प्रिंसिपल हमारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे। मान लो बेटा आपका क्या है, आपने ये कोई एड्सॉर्बेंट सरफेस लिया है, इस पे जब आपके पार्टिकल्स आ रहे हैं, आपके ये पार्टिकल्स एड्सॉर्बेट के आके यहाँ पे एड्सॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एनर्जी जब ये एड्सॉर्ब हो रहे हैं तो एनर्जी आपकी वॉल आउट हो रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो बेटा जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इस रिएक्शन का, इस एड्सॉर्प्शन का टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे, तो आपका क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस पे आ रहे हैं, इनमें इनको टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी मिलने से ये क्या करेंगे, एड्सॉर्ब होने के बजाय एस्केप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सी चीज ज्यादा प्रेफर करेंगे, एस्केपिंग टेंडेंसी इनकी बढ़ जाएगी, ये एस्केपिंग फिनोमेना प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू एड्सॉर्प्शन। ठीक है बेटा, और अगर ली चेटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से भी देखे तो आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो यानी कि एनर्जी जब आप इंक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स आप जब प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहे हो, प्रोडक्ट के साइड जो एनर्जी है उसको इंक्रीज कर रहे हो, तो आपकी रिएक्शन है जो वो पुश होने लगती है बैकवर्ड साइड। और यही हमारा ली चेटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा लो टेम्परेचर फेवर होता है, क्योंकि उस रिएक्शन में आपका पहले ही एनर्जी वॉल आउट हो रही है। ठीक है, तो उसको इतनी ज्यादा एनर्जी की या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप फिर भी टेम्परेचर दे रहे हो, फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो आपकी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम बेटा इसका ग्राफ देखें, बिटवीन
एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन द गिवन मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट, तो आपका क्या होगा, हमने क्या लिया था एक्स बाय एम, यहाँ हम लेंगे आपका टेम्परेचर और प्रेशर को हम रखेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है बेटा। तो आपका क्या हो रहा है, हम फिजॉर्प्शन के लिए कर रहे हैं, तो पहले आपका क्या हो गया, फिजॉर्प्शन में आपका डायरेक्टली विद इन सेकेंड, क्योंकि केमिकल बॉन्ड तो फॉर्म होना नहीं है, ठीक है, कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के टाइम आपको कुछ टाइम चाहिए होता है, बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म होता है, सडनली तो फॉर्म होता नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पे फिजिकली एड्सॉर्प्शन होता है, एक लेयर बन जाती है एड्सॉर्बेंट सरफेस पे एड्सॉर्बेट की। तो आपका जब एड्सॉर्प्शन हो गया है फिर भी आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन धीरे 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 टेम्परेचर इंक्रीज करते करते आपका एड्सॉर्प्शन धीरे धीरे उसके साथ डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है बेटा। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो एड्सॉर्प्शन की जगह क्या होने लगेगा, डिसॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है, तो हम कह सकते हैं द ग्राफ बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेट विद टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नोन एज एड्सॉर्प्शन आइसोबार। क्या बोलते हैं हम इस ग्राफ को, एड्सॉर्प्शन आइसोबार, आइसोबार क्यों बोलते हैं, क्योंकि आइसो मींस होता है कांस्टेंट और बार आपका क्या होता है, हम प्रेशर को इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आइसोबार मींस यहां हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, एक किसी फिक्स प्रेशर पे हम ये रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं। अगर आपका आइसोथर्म होता है वहां हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट अगर देखें बेटा हम केमीज ऑप्शन की बात करें, केमीज ऑप्शन यानी कि आपका केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसके बीच में, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, तो मान लो कि केमिकल बॉन्ड हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो मान लो आपका एड्सॉर्बेट आपका ये है ए बी और एड्सॉर्बेंट आपका क्या है ये है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको केमिकल बॉन्ड बनाना है इन दो रिएक्टेंट के बीच में, एक रिएक्टेंट आपका एड्सॉर्बेट है और दूसरा रिएक्टेंट आपका एड्सॉर्बेंट है, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो आपके ओल्ड बॉन्ड है, केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है, केमिकल बॉन्ड आपके कब फॉर्म होते हैं, जब आपकी केमिकल रिएक्शन में जो आपके ओल्ड बॉन्ड है रिएक्टेंट के वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वहीं पे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, मतलब आपका कुछ न्यू प्रोडक्ट जब बने उसी को तो आप उस रिएक्शन को ही तो आप केमिकल रिएक्शन बोलते हो। तो बेटा अगर हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन करवानी है इनके बीच में, तो पहले आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा इन दोनों का, तभी तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, आपका एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट तभी तो आपस में बॉन्ड बनाएगा, तो इनको आपस में बॉन्ड बनाने के लिए पहले ओल्ड बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि आप जब हीट करोगे केमीज ऑप्शन के केस में, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आप हीट प्रोवाइड करोगे या टेम्परेचर हाई करोगे, तो जो ओल्ड बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे और धीरे धीरे आपका क्या होगा, ये न्यू बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट होंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका क्या रहा, या फिर हम कह सकते हैं कि जब आप केमीज ऑप्शन में क्या करते हो, जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते टाइम आप क्या करते हो कि आपने फ्रिज से दूध निकाला, ठीक है, उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, ठीक है, लो टेम्परेचर होगा, फ्रिज में ठंडा होता है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर लो होगा, मान लो कि आपका वो 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो आप थोड़ी देर उसको बाहर रख रहे हो, वो 20 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, उसके बाद जब आप उसको गैस पे रखते हो, गैस की फ्लेम ऑन करते हो, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, आप सब कुछ डाल देते हो, चीनी डाल रहे हो, चाय पत्ती डाल रहे हो, जो भी मटेरियल आपको चाहिए चाय में वो आप डाल रहे हो, तो धीरे धीरे उसके बाद आप क्या बोलते हैं, अपनी टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, आपका वो दूध का टेम्परेचर आपका 60 हुआ, 70 हुआ, 100 हुआ और 150 पे जाके आपकी चाय बन जाती है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप उस चाय का टेम्परेचर कम कर देते हो, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर कम कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ बन चुका है, टेम्परेचर आप कर रहे हो, तो धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाती है और वो चाय जो है आपकी पीने लायक हो जाती है, ठीक है। तो सेम यही केस है इस केस में भी, आपका केमीज ऑप्शन में भी यही होता है कि जब आप यहाँ पे हम लेते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यहाँ हम लेते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट
प्रेशर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो इनिशियली इन द बिगनिंग, आप जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो केवीज ऑप्शन के केस में, तो ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे, यानी कि आप ओल्ड बॉन्ड तोड़ के क्या हो रहा है, रिएक्टेंट एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि इनिशियली जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो टेम्परेचर आपका कहाँ काम आएगा, आपके रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट एक्टिवेट हो गए हैं और एक पॉइंट पे जहां वो एक्टिवेट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब इन्हें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब वो बैरियर, एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लेंगे तो उन्हें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस केस में एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के बाद भी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपकी जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या बोलते हैं ग्राफ है बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ एड्सॉर्बेट विद टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो बेटा तो आपका क्या होगा, रिएक्टेंट आपके एक्टिवेट होंगे। रिएक्टेंट हम क्या समझ रहे हैं, एक एड्सॉर्बेंट है और दूसरा एड्सॉर्बेंट है। तो आपके रिएक्ट इनिशियली बिगनिंग में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो इन केस ऑफ केमीज ऑप्शन, तो आपके रिएक्टेंट एक्टिवेट होते, दैट मींस उनमें जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जब आपका एक बार ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाए, यानी कि आपके जब रिएक्टेंट एक्टिवेट हो जाए एक पॉइंट पे आपके वो इस रिएक्शन का एनर्जी बैरियर क्रॉस कर ले, तो उसके बाद उन्हें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप उसका और ज्यादा टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करोगे, उनको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। पर फिर भी अगर आप क्या बोलते हैं कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो आपकी क्या बोलते हैं एड्सॉर्प्शन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे भी फिर वही केस होता है कि मॉलिक्यूल्स केमिकल बॉन्ड बनाने के बजाय टेम्परेचर से एनर्जी गेन करके उनमें क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आती है और वो एस्केप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, केमीज ऑप्शन में यहाँ आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये होगी वेरिएशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विद टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ एड्सॉर्बेंट पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट एट विद टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नोन एज एड्सॉर्प्शन आइसोबार, ठीक है बेटा। अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कैटलिस्ट। तो देखो तो नेक्स्ट अगर बात करें हम कैटलिस्ट की, तो बेटा कैटलिस्ट जो टॉपिक है हम आपके केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। कैटलिस्ट आपका क्या होता है, काफी बार हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। कैटलिस्ट आपका एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। वो स्पीड डिक्रीज भी करता है, कर सकता है, वो स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा टाइप का कैटलिस्ट यूज कर रहे हो। साथ के साथ एक प्लस पॉइंट है इस कैटलिस्ट में, वो ये है बेटा, ये स्पीड को चेंज तो करता ही है, केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तो चेंज करता ही है, साथ के साथ खुद कंज्यूम कभी भी नहीं होता, ना ही तो उसका मास कंज्यूम होता है। मान लो आपने 1 ग्राम डाला है रिएक्शन के इनिशियल में कैटलिस्ट को, तो फाइनल टाइम में आपको उतना ही कैटलिस्ट दोबारा से कंज्यूम हो जाएगा, मास जो है उसका डिस्ट्रॉय नहीं होता है, साथ के साथ उसकी कंपोजिशन भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which change the speed of the reaction without itself consumed during the reaction. ड्यूरिंग द रिएक्शन, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज कैटलिसिस
ठीक है बेटा। तो कैटलेस आपका एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपकी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देता है। वो कब इंक्रीज करेगा और कब डिक्रीज करेगा ये भी हम पढ़ेंगे, बट आपको याद ये रखना है कि कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो आपकी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देता है विदाउट बीइंग कंज्यूम इटसेल्फ, खुद को कंज्यूम नहीं करवाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा, तो देखो हमने देखा था, मैं केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको बताया था, कैटलिस्ट जो है मैं मान के चलती हूँ एक पंडित का काम करता है। जैसे आपकी शादियों में पंडित जो काम करता है वही कैटलिस्ट आपका केमिकल रिएक्शन में काम करता है। कैसे? मान लो कि एक लड़का और एक लड़की को शादी करनी है, ठीक है, तो अगर पंडित नहीं होगा तो क्या शादी नहीं होगी? शादी तो होगी, ठीक है, बट क्या होगा उस शादी को, वो शादी जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगी, आपका ज्यादा टाइम लेगी। क्योंकि हो सकता है कि मान लो कि दो लोग शादी कर रहे हैं तो आप उनका कोई फ्रेंड ऐसे बोलता है मैं शादी करवा दूंगा, ठीक है, बट वो शादी कैसे करवाएगा जब तक उसे फेरे नहीं पता, जब तक उसके उसको पूरे मंत्र लर्न नहीं है, तो हाउ कैन इट एक्ट एज अ पंडित इन वेडिंग। तो वहां पे क्या होगा, उस पहले थर्ड पर्सन को पहले मंत्र सीखने पड़ेंगे, फेरे सीखने पड़ेंगे कैसे करवाया जाता है, तब जाके वो शादी जो है पूरी प्रॉपर ढंग से पूरी रीति रिवाजों से कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वो जो प्रोसेस है जहां पंडित की एब्सेंस है, कोई दूसरा इंसान एज अ पंडित काम कर रहा है, वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट अगर पंडित वहां होगा तो वो क्या होगा, वो आपके पूरी रीति रिवाजों से शादी करवा देगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है, आप लोग भी खुश, पंडित भी खुश क्योंकि उसको दक्षिणा मिलेगी, ठीक है, आपका भी काम हो रहा है, पंडित का भी काम हो रहा है। तो आपका ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है उसका काम वही होता है। कैटलिस्ट अगर आप डालोगे तो रिएक्शन आपकी थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी वो हम बाद में देखेंगे। अभी ये मान के चलो कि जब आप कैटलिस्ट यूज करोगे केमिकल रिएक्शन में तो आपकी रिएक्शन की स्पीड जो है क्या होगी, चेंज हो जाएगी। मतलब कि आपको अगर केमिकल रिएक्शन करवानी है तो आपकी मर्जी है, आप कैटलिस्ट यूज करना चाहो या नहीं यूज करना चाहो। यूज करते हो तो उसके कुछ आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, जैसे अगर आप पंडित को शादी में बुलाते हो तो कुछ एडवांटेज है कि आपकी पूरी रिचुअल से शादी होगी, ठीक है बेटा। तो वहां पे यही केस है, तो ऐसे ही जैसे आपका पंडित काम करता है वैसे ही आपका कैटलिस्ट शादी कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में काम करता है। दूसरी तरफ अगर बात करें, क्या आपने कभी देखा है कि ऐसा हुआ है कि पंडित को लड़की पसंद आ गई और वो ये कहता है कि मैं तो लड़की से शादी करूंगा, ठीक है, अब हम पति पत्नी बनेंगे? नो, नेवर पॉसिबल। तो जैसे आपका ऐसे ही जैसे आपका पंडित खुद कंज्यूम नहीं होता किसी शादी में, ऐसे ही कैटलिस्ट खुद कंज्यूम नहीं होता किसी केमिकल रिएक्शन में, वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही जो पंडित है वो भी आपकी वेडिंग्स को, आपकी शादी को सपोर्ट करता है, ठीक है बेटा। तो अब अगर बात करें, आपकी दो टर्म्स आती हैं, पहली जो है, चलो पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि हम किस केस में आपके कैटलिस्ट नॉर्मली यूज करते हैं। तो बेटा अगर हम एग्जांपल ले, मान लो ये मैंने आपका कोई बेस लिया है और ये मैंने आपका एसिड लिया है, जब आपके एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं तो आपका एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज NaCl प्लस आपका वाटर बनता है, ठीक है, ये रिएक्शन सबको पता है। बट क्या हम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में है और ये रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट होती है, विद इन सेकेंड इसका प्रोडक्ट बन जाता है। तो जब रिएक्शन ऑलरेडी फास्ट है तो हम क्यों यहाँ पे कैटलिस्ट को यूज करें, क्यों हम उसको वेस्ट करें, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें आपकी जो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, जब आप उसमें HCl डालते हो, ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा फास्ट है। काफियों ने ये आपकी स्कूल लैब में देखा होगा कि सिल्वर नाइट्रेट में जब आप एसिड डालते हो तो आपका सिल्वर क्लोराइड एज अ वाइट प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाता है। ये भी रिएक्शन फ्रैक्शन इन सेकेंड में हो जाती है, कुछ फ्रैक्शन सेकेंड में ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कैटलिस्ट यूज करने की कोई नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करें, ये तो हो गई ऐसी रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है, जो कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन, कि अगर आपकी आयरन नेल है या कुछ भी आयरन मेटल है, रेलिंग्स है या आपके दरवाजे हैं घर के या कहीं और जहां पे भी आप
आयरन मेटल यूज कर रहे हो, उसका रस्ट उसको लग रहा है, तो वो जो रस्टिंग प्रोसेस है वो कितना टाइम लेता है। आजकल तो हम लोग पेंट करने लगे हैं, ग्रीसिंग करने लगे हैं, बहुत सारी मेथड्स यूज करने लगे हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। बट अगर आप कोई नीट मेटल छोड़ देते हो, कोई नेक्ड मेटल रख देते हो आयरन का, और क्या बोलते हैं उसको मॉइस्चर के कांटेक्ट में, बारिश में पड़े रहने देते हो, तो भी जो आपका रस्ट है वो 7 to 8 months ले लेता है लगने में। ठीक है, रस्टिंग जो प्रोसेस है वो 7 to 8 months में आपका रस्ट बनाता है। उस नेल पे जो ब्राउन कलर का पाउडर फॉर्म होता है वो 7 to 8 months लेता है। और अगर और भी ज्यादा, अगर आपका लेस मॉइस्चर के कांटेक्ट में है तो वो काफी साल, 1 to 2 years भी ले सकता है वो आपका मेटल रस्ट होने में। तो वहां पे आपका क्या है, अगर आप कैटलिस्ट यूज भी करते हो, हालांकि रस्टिंग को फास्ट हमें करवाना क्यों है, रस्टिंग तो हमें चाहिए ही नहीं, तो उस केस में हम कैटलिस्ट क्यों यूज करेंगे। बट बात आ रही है, मैं एग्जांपल यहाँ शो कर रही हूँ कि ऐसी रिएक्शन जो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है आपकी, उस केस में भी आप कैटलिस्ट जो है ज्यादा इफेक्ट शो नहीं करता है। तो हम कैटलिस्ट, आपको ये बात ध्यान रखनी है, कैटलिस्ट ना तो हम वेरी फास्ट रिएक्शन में करवाते हैं, ना ही सुपर स्लो रिएक्शन में यूज करते हैं। हम सिर्फ कैटलिस्ट मॉडरेट रिएक्शन लेवल की रिएक्शन में ही यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपका पोटेशियम क्लोरेट, या आपका एक पोटेशियम क्लोरेट आपका कोई रिएक्टेंट है बेटा, तो जब आप पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हो एट टेम्परेचर 653 to 873, ठीक है, जब आप इसको हीट करते हो इस टेम्परेचर पे, तब जाके आपका KCl प्लस 3O2 मिलता है। और ये जो रिएक्शन है बेटा आपकी लेती है 4 months, ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होने के लिए 4 months ले रही है, और 4 months के लिए आपको रेगुलरली इतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, 4 months है, ठीक है, मॉडरेट लेवल की रिएक्शन है, ना तो ज्यादा ही टाइम ले रही है, ना ही कम ही टाइम ले रही है, 1-2 years तो ले नहीं रही। ठीक है, तो इस केस में अगर हम आपका कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा, तो अगर कैटलिस्ट यहाँ हम यूज करें, तो ये जो रिएक्शन है इसमें इतना ज्यादा चेंज होता है इसकी स्पीड में, कि यहाँ पे टेम्परेचर भी जो है वो डिक्रीज होके आपका बन जाता है 473 to 633। ठीक है, साथ के साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको वही मिलेगा बट थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे मिलेगा, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जब आपने इस मॉडरेट रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर दिया है तो टेम्परेचर तो आपका डिक्रीज हुआ है इस रिएक्शन का, साथ के साथ आपकी रिएक्शन इतनी फास्ट हुई है, विद इन 15 minutes आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि कैटलिस्ट की हेल्प से हमारी जो रिएक्शन की स्पीड जो है वो चेंज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा आपकी कैटलिस्ट जो है कहाँ पे, आपके कैटलिस्ट जो है स्पीड को चेंज, मतलब कहाँ आप कैटलिस्ट को जब ऐड करते हो तो स्पीड इंक्रीज होती है, और कब आपकी कैटलिस्ट ऐड करने पे स्पीड डिक्रीज होती है वो हम देखते हैं। तो पहला जो केस है वो है पॉजिटिव कैटलिस्ट। बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो आपके क्या करते हैं, इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, ये कैसे इंक्रीज करते हैं, देखो मान लो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी ली है, या फिर हम एनर्जी ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो मान लो आपके यहां रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी है, ठीक है, और यहां रिएक्टेंट को इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लेने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, दैट मींस यहां पे उसको इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, या मैं कहूं इतना किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, तो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए एनर्जी बैरियर कितना है, इस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी बैरियर कितना, इतना ज्यादा है
ये कब है? जब आपने कोई कैटलिस्ट ऐड नहीं किया है। बट जब आप कैटलिस्ट ऐड कर देते हो तो आपका क्या होता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये डिक्रीज हो जाती है और आपको एक अल्टरनेट पाथ से रिएक्शन प्रोसीड होती हुई दिखती है। तो यहां आप देख सकते हो कि जो आपका एनर्जी बैरियर इतना था, वो कैटलिस्ट ऐड करने के बाद थोड़ा सा एनर्जी बैरियर कम हो गया है। पहले आपके इस एनर्जी बैरियर को कुछ लिमिटेड मॉलिक्यूल क्रॉस कर पा रहे थे, बट अब जब आपका एनर्जी बैरियर कम हो गया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन वो भी बढ़ गए हैं। अब ज्यादा मॉलिक्यूल आपके एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट और ये आपका है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कि जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हो तो आपका रिएक्शन जो है आपकी, या मैं कहूं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, या एनर्जी बैरियर जो है रिएक्शन का वो डिक्रीज हो जाता है और मॉलिक्यूल्स इजीली एक्टिवेट होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, क्योंकि पॉजिटिव नाम पॉजिटिव है यानी कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी देगा ये रिएक्टेंट को, ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट हमेशा इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब अगर दूसरी तरफ बात करें कि आपकी स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन कब डिक्रीज होगी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वो है आपका, वो आपके कहलाते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है बेटा, ऐसे कैटलिस्ट, नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं रिएक्टेंट्स के बीच में। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होता है, ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज द स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैसे, मान लो ये आपकी, हम ग्राफ बनाते हैं, यहां आपकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्शन की, यहां आपकी रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ठीक है बेटा, तो यहां पे अगर देखें, मान लो इतनी ही रिएक्टेंट की यहां एनर्जी थी, बट अगर आप कोई ऐसा कैटलिस्ट डाल देते, मान लो ये आपकी ओरिजिनल इन द एब्सेंस ऑफ, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, मतलब जब आपने कोई, आपने जब इन एब्सेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि जब आप कोई कैटलिस्ट नहीं डालते हो तो इस रिएक्शन की जो एनर्जी है, एनर्जी बैरियर है वो इतना है, बट जब आप नेगेटिव कैटलिस्ट डाल देते हो तो आपका क्या हो जाता है, ये एनर्जी बैरियर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो, पहले इस रिएक्शन की जो एनर्जी थी, एक्टिवेशन एनर्जी, वो इतनी थी, अब आपकी क्या हो गई, इतनी हो गई, यानी कि अब आपको और भी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके आपके मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि आपने नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड कर दिया है और नेगेटिव कैटलिस्ट के ऐड करने से आपकी रिएक्शन की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, या मैं कहूं एनर्जी बैरियर आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव कैटलिस्ट एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है केमिकल रिएक्शन को, और नेगेटिव कैटलिस्ट एक नेगेटिव इफेक्ट देता है केमिकल रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें, दो टर्म आपकी और भी है, पहला है आपका पॉइजन और दूसरा है आपका प्रमोटर्स। कैटलिस्ट से रिलेटेड दो टर्म आपकी और भी है बेटा, एक तो है प्रमोटर्स। बेटा ये प्रमोटर्स नाम से ही जैसे पता चल रहा है, प्रमोटर्स क्या करते हैं, प्रमोट ही करते होंगे, बट ये प्रमोट किसको करते हैं, ये प्रमोट केमिकल रिएक्शन को नहीं करते, ये प्रमोट करते हैं आपके कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, यानी कि कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को ये प्रमोटर्स उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं दे इंक्रीज या फिर दे प्रमोट, दे विल प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ
कैटलिस्ट। और अगर बात करें दूसरी तरफ पॉइजन, तो बेटा पॉइजन कैसा काम करते हैं, जहर की तरह काम करते हैं कैटलिस्ट के लिए, कि ये जैसे प्रमोटर प्रमोट करते हैं उनकी एफिशिएंसी को, ठीक है, उनके काम करने की क्षमता को और भी ज्यादा प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। आप प्रमोट की जगह सपोर्ट भी लिख सकते हो, उनको सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें पॉइजन क्या करते हैं, उनकी एफिशिएंसी को डिक्रीज करते हैं, यानी कि एक पॉइजनस इफेक्ट करते हैं कैटलिस्ट पे। तो हम कह सकते हैं दे विल डिक्रीज इट्स किसकी, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये प्रमोटर्स आपके सपोर्ट करते हैं कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को, कैटलिस्ट के वर्क को सपोर्ट करते हैं, और पॉइजन जो होते हैं आपके कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हेबर प्रोसेस की, हेबर्स प्रोसेस की अगर बात करें, हेबर्स प्रोसेस आपका किस लिए यूज होता है, अमोनिया फॉर्म करने के लिए। तो आपका कैसा होता है बेटा, जब आप N2 को रिएक्ट करवाते हो हाइड्रोजन गैस के साथ, तब जाके आपका अमोनियम फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट कौन एक्ट कर रहा है, आयरन एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आयरन तो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर ही रहा है, जो इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हम मॉलिब्डेनम भी डालते हैं, और ये मॉलिब्डेनम क्या करता है, प्रमोटर्स का काम करता है, ये इसकी एफिशिएंसी को, आयरन की एफिशिएंसी को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है, आयरन अपनी और भी ज्यादा एफिशिएंट से या एफिशिएंसी से वर्क करता है। दूसरी तरफ अगर बेटा बात करें, अगर आप इसी रिएक्शन में आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड डाल देते हो, इस रिएक्शन में अगर आप आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड डाल देते हो, तो वो एज अ पॉइजन का काम करती है, वो आयरन कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को डिक्रीज करती है, ठीक है बेटा। तो हमें कैटलिस्ट का जो आइडिया है वो पता चल गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका टाइप ऑफ कैटलिस्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।